जोधपुर शहर एसडीएम प्रियंका बिश्नोई अब सोशल मीडिया पर छाई हुई है। दरअसल उनकी तबीयत पिछले दिनों खराब हो गई थी। उनकी हालत गंभीर बताई जा रही है। उनका अहमदाबाद में इलाज चल रहा है। इसी महीने के 5 तारीख को उनका एक निजी अस्पताल में ऑपरेशन किया गया था। पेट दर्द की शिकायत के चलते वे अस्पताल में भर्ती हुई थी। इसके बाद में गायनी विभाग में पेट का ऑपरेशन उनका किया गया था। इसके बाद में उनकी हालत लगातार बिगड़ती गई। इसी को लेकर जब हालत बिगड़ी तो अस्पताल ने उन्हें अहमदाबाद के लिए रेफर कर दिया गया। अब उनकी हालत नाजुक बताई जा रही है। परिवारजनों का आरोप है कि अस्पताल द्वारा इलाज सही नहीं करने, ऑपरेशन में कोताही बरतने या बेहोश करने वाली जो दवाई होती है एनेस्थीनिया, वह ज्यादा दे दिए जाने और खून ज्यादा बह जाने, संभवतः इन कारणों के कारण जो है प्रियंका की तबीयत बिगड़ गई। अब उन्हें उनकी हालत जो है वह नाजुक बताई जा रही है। दरअसल अब परिवारजनों ने इस पूरे मामले को लेकर जोधपुर के जिला कलेक्टर गौरव अग्रवाल को शिकायत दर्ज की थी। इसी शिकायत पर कलेक्टर गौरव अग्रवाल ने एक्शन लेते हुए जोधपुर के एसएन मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर भारती को अब जांच के आदेश दिए हैं। इसको लेकर अब कई विभागों को समग्र करके उनके एक्सपर्ट की एक टीम बनाई गई है, जो टीम अब 3 दिन के अंदर इसकी रिपोर्ट सौंपेगी और दोषियों के खिलाफ जल्द कार्रवाई होगी। दरअसल प्रियंका बिश्नोई जो कि मूलतः नौखा बीकानेर की निवासी है और उनका ससुराल जो है वह फलोदी में है। उनके पति भी एक अधिकारी है और वे फलोदी में ही जो है नियुक्त है। उनका वे प्रियंका बिश्नोई का जो स्थानांतरण जो है वह 1 अगस्त को जोधपुर में हुआ था। वे शहर एसडीएम के पद पर आई थी और यहां पर नौकरी करती है। गायनी विभाग में पेट के दर्द के लेकर वे इलाज करवा रही थी और ऐसे में उन्होंने जोधपुर के वसुंधरा अस्पताल में अपना इलाज करवाया और वहां पर 5 तारीख को उनके गायनी विभाग में ऑपरेशन किया गया। कहीं ना कहीं ऑपरेशन में किसी तरह की कोताही की बात सामने आ रही है। इसी के कारण ऐसा माना जा रहा है कि जो इलाज किया गया और उसमें कोताही बरती गई, इस कारण प्रियंका की जो है वह तबीयत बिगड़ गई। परिवार का यह भी आरोप है कि ऑपरेशन के दौरान बार बार जो है प्रियंका बिश्नोई होश में आई, इसके बाद में उन्हें एनेस्थीनिया दिया गया, वह ज्यादा दे दिया गया, इस कारण भी तबीयत बिगड़ सकती है और खून ज्यादा बह जाने के कारण जो है अब उनकी स्थिति जो गंभीर हो गई। अस्पताल ने जब स्थिति गंभीर हो गई तो उन्हें अहमदाबाद रेफर कर दिया गया। परिवार ने तुरंत प्रभाव से उन्हें अहमदाबाद लेके गए। हालांकि अब अस्पताल में उनका इलाज चल रहा है। रिपोर्ट आने के बाद ही पुष्टि हो पाएगी कि किन कारणों के कारण जो है प्रियंका बिश्नोई की जो है एक माइनर से ऑपरेशन के दौरान ही इतनी स्थिति बिगड़ गई। अब रिपोर्ट आने के बाद ही दोषियों का मालूम चल पाएगा और एक्शन लिया जाएगा। हालांकि जो बिश्नोई समाज से आने वाली प्रियंका बिश्नोई का अभी भी जो है बिश्नोई समाज जो है लगातार प्रार्थना कर रहा है और यज्ञ कर रहा है कि वे जल्द स्वस्थ होकर हमारे बीच लौटे। हम भी प्रार्थना करते हैं कि एसडीएम प्रियंका बिश्नोई जल्द स्वस्थ होकर फिर से अपना पदभार ग्रहण करे। सुमित देवड़ा, TV9 जोधपुर।